सुनिए, अब ठीक हो? अब तो आ गया है ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तू कैसा है? कहां चला गया था हम सबको छोड़कर? तुझे याद नहीं आती थी हमारी? जानता, तेरे जाने के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हम सब पर। मुझे पता है माँ, मुझे सब पता है। मैं आप लोगों के साथ नहीं था, लेकिन हर पल आप लोगों की खबर रखता था मैं। तो तू आया क्यों नहीं? जब आरोह अस्पताल में था, इतना सीरियस था वो, कुछ भी हो सकता था उसे। इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे हमारे पास, आया क्यों नहीं तू? माँ, मैं उस वक्त वहां नहीं आ सकता था माँ, मैं मजबूर था। आपको क्या लगता है, मेरे सीने में दिल नहीं है माँ? क्या मैं आरो को लेकर चिंतित नहीं हूं? लेकिन मां, मैं उस वक्त वहां नहीं आ सकता था। अगर मैं उस वक्त वहां आया होता ना, तो मुझे गिरफ्तार कर लेते और मुझे सलाखों के पीछे डाल देते, फिर मेरा होना नहीं होना बराबर होता। और मुझे मालूम था कि आप लोगों का पैसों का इंतजाम हो जाएगा, सिद्धार्थ बख्शी आप लोगों को पैसे दे देगा। सब कुछ मालूम था तुझे, और वो इंश्योरेंस के पैसे जिनसे इतनी उम्मीद थी वो भी नहीं मिले हमें। वो पैसे मां, मैंने ले लिए थे। मैंने यश से कहा था कि उस इंश्योरेंस के पैसों को किसी कंपनी के नाम पर एंडोर्स करवा दे, और वो कंपनी फर्जी थी। मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत थी मां, इसलिए ये सब कुछ मैंने किया। क्या वो पैसे तूने ले लिए थे? ये कैसे कर सकता था तू? तेरा बेटा अस्पताल में इतना सीरियस था, अब कैसा बाप है तू? मां, मैंने उन पैसों का बंदोबस्त कराया था। मुझे पता था कि सिद्धार्थ बख्शी आप लोगों को पैसे देगा। मुझे इंश्योरेंस के पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया मां। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सब इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया? मरने का नाटक किया था तूने? तूने सचमुच लोगों के साथ फ्रॉड किया? उनको धोखा देकर फरार हो गया तू? सब लोग ठीक ही कहते थे, मेरा बेटा चीट है, फ्रॉड है, धोखेबाजी की है उसने लोगों के साथ। यही थी मेरी अपब्रिंगिंग, यही संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें। तूने अपने आप को नहीं, मुझे शर्मिंदा किया। क्यों किया तूने ऐसा, बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसा? मां, मेरा भागने का इरादा कभी भी नहीं था, ना ही किसी के पैसे गबन करने का। वो तो अचानक सब कुछ एनआरआई इन्वेस्टरों ने हाथ खींच लिए, .com वर्ल्ड वाइड क्रैश होने लगे। उन लोगों को लगा कि अमर जेटली भी गया काम से, पर मेरा .com मॉडल वहां बिल्कुल सेफ था। मैं तो इनफैक्ट उन्हें इस साल भी प्रॉफिट देने वाला था, पर उन सब लोगों ने हाथ खींच लिया। वो सारे अपने कमिटमेंट से मुकर गए मां, और मैं एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। आपको क्या लगता है मां, कि मैं आप लोगों से दूर रहकर खुश था? नहीं मां, नहीं। इनफैक्ट मैं दूर कहां था आप लोगों से, मैं हमेशा आप लोगों के सामने था। हमेशा हमेशा मेरी नजर आप लोगों के ऊपर थी मां। ताया जी के सामने वाले फ्लैट में मैं रह रहा था जब तक यश जिंदा था,
तेरा मतलब है यश को हर वक्त सब कुछ मालूम था? हाँ माँ, यश सब कुछ जानता था, वही मुझे सब बाहर की खबर देता था। इसीलिए यश इतना इंसिस्ट कर रहा था कि हम इंश्योरेंस के पेपर साइन कर दें। तुझे पैसे जो चाहिए थे। नहीं माँ, आप फिर मुझे गलत समझ रही हो। फिर गलत समझ रहे, मुझे इंश्योरेंस के पैसे नहीं चाहिए थे, बिल्कुल नहीं चाहिए थे। वो तो यश को मेरे पे दया आ गई। उसने सोचा कि इन पैसों से मैं दोबारा से खड़ा हो सकता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि ये तू पैसे इन्वेस्ट करके वापस से अपने किए हुए कर्जों को चुका सकता है माँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ रह सकूँ, एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकूँ। तो फिर ऐसा किया क्यों नहीं तूने? धोखा तो मेरे साथ हुआ माँ। जिस आदमी को मैंने पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। और यश, तुम्हें पता है यश की मौत के बारे में? हाँ माँ, शायद उन्हीं लोगों ने यश को, क्योंकि यश ही जरिया था मेरे और उनके बीच। खैर बैड लक, अगर यश होता तो शायद मुझे आपको इस तरह कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, वो भी चोरी छुपे। आप बस मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं अपने सारे कर्जे दूर कर सकूँ और खोया हुआ सम्मान वापस पा सकूं। मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे फ्रॉड मत करो, ना ही धोखेबाज के लिए। आपका बेटा हूं, आप ही का शिष्य भी हूं, आप ही के संस्कारों में पला बढ़ा हूं मैं। आप ये कैसे कह सकती हैं माँ कि आपका बेटा पैसा लेकर भाग गया? हेलो, मैं भोला बोल रहा हूँ। जी, क्या मैं मानसी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ। मानसी मानसी मानसी, मैं तंग आ चुकी हूँ उस नाम से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं तो, अरे सिड, अपने बारे में नहीं, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में, नीलिमा के बारे में। नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। आओ बेटा, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम दोनों की शादी के बारे में। मैं सिद से शादी नहीं कर रही हूं। और इससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे तो फिर बच्चे का क्या होगा? ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा और उसे मैं अपना नाम भी दूंगी। मुझे अनवेड मदर कहलवाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने रियलाइज किया है कि मैं किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहती। आई डोंट लाइक बीइंग टाइड डाउन। मैं सिद से यहां शादी करने के लिए नहीं आई थी, और वैसे भी मैं इस देश से बाहर रहती हूं जहां मेरे अनवेड मदर के स्टेटस को लेकर कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। मैं अपनी जिंदगी मेरे टर्म से जीना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सिद ने कुछ कहा तुमसे? नहीं आंटी, सिद ने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये तो मेरा अपना फैसला है। इनफैक्ट उसने तो मुझसे मैरिज प्रपोज किया था। मैं ही नहीं करना चाहती। आई एम नॉट इन्वॉल्व विथ योर सन। जब मैं उसे प्यार नहीं करती तो शादी क्यों करूं? देखो बेटा, मैं भी एक मॉडर्न औरत हूँ, एक वर्किंग वुमन, लेकिन तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आंटी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये घर गृहस्थी, होमली लाइफ, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ शादी नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ग्रैंड चाइल्ड से नहीं मिल सकती। आप जब चाहें उसे मिल सकती हैं। एंड यू टू से बात सिर्फ ग्रैंडचाइल्ड की नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं दिल से चाहती हूँ नीलिमा कि तुम इस घर की बहू बनो। थैंक यू आंटी, लेकिन आप ये बताइए क्या फायदा होगा? सिद और मैं तो शादी कर लेंगे,
साल दो साल बाद डिवोर्स होगा, क्या तब आपको अच्छा लगेगा? आंटी, सिड और मेरी नेचर में बहुत ही फर्क है, हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। सिद और मैं एक दूसरे की इज्जत करते हैं, प्यार नहीं। और वैसे भी मेरे ख्याल में एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट प्यार होना चाहिए, है ना सिद? मानसी, चाय पिएगी? नहीं ताई जी, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आज बड़ी चुपचाप बैठी है, उस लड़के की वजह से? नहीं ताई जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। देख मानसी, जब तू चुपचाप बैठती है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देख मानसी, अमर और राखी इतने छोटे भी नहीं थे जब देवर जी चल बसे, और रोहिणी की उम्र भी कुछ कम नहीं थी, लेकिन तुम, अरे तुम्हारे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है बेटा। पता नहीं मुझे कभी तुम्हारी सास को यह ख्याल आता है या नहीं, लेकिन मेरा मन तो बार बार यही कहता है कि तुम्हें दोबारा शादी करनी चाहिए। मैं रोहिणी से बात करूं? नहीं नहीं ताई जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे वही तो, घर छोड़कर जाने की बात ही कौन कर रहा है? तुम अपनी नई जिंदगी इसी घर में शुरू कर सकती हो, हम सबके साथ। हाँ ताई जी, आप सबने जो इतना प्यार दिया है, इनके जाने के बाद ये भी तो नई जिंदगी है मेरे लिए। अरे बुद्धू, तू तो कुछ समझती ही नहीं। अच्छा ये बता, तुझे भोला कैसे लगता है? कितना प्यार है ना आरा और भोला में, है ना मानसी? घर का बच्चा घर में ही रहेगा, हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, सबको एक दूसरे का सहारा भी हो जाएगा, है ना? और इतनी सारी धन दौलत किसकी है? भोला और आरो की तो है। और मेरे भोला को भी प्यार, घर, परिवार सब कुछ मिल जाएगा, और घर की बहू घर में ही रहेगी, है ना मानसी? मानसी ताई जी, मैं अभी आती हूँ। जा रही हो तुम? हाँ, हम दोनों के लिए अच्छा है। कहीं मुझसे नाराज होकर तो नहीं जा रही हो ना? कैसी बातें करो सिद्धार्थ, मैं भले तुमसे नाराज थोड़ी होंगी। अच्छा किया तुमने मुझे मानसी के बारे में सब कुछ बता दिया, वरना हम ऐसी रिलेशनशिप में कूद पड़ते जिसका ना कोई प्रेजेंट है ना कोई फ्यूचर। तुमने तो हम दोनों को बचा लिया सिद्धार्थ, लेकिन हाँ पम्मी आंटी, शायद हमने उनको हर्ट कर दिया। She'll get over it. कहीं मैंने तुम्हें तो नहीं हर्ट किया ना? नीलमा, क्या हम दोस्त बनके नहीं रह सकते? नीलमा, I'll be just a phone call away. तुम्हें जब भी मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे सिर्फ एक फोन कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सिद्धार्थ, अब मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है, आई हैव टू गो। क्या कर रही हो नीलिमा? मैं
अभी जाऊंगा तुम्हारे साथ एयरपोर्ट पे। चलो। नहीं सिद्धार्थ, मेरे पास काफी वक्त है, लेकिन अगर तुमने जल्दी नहीं किया ना तो तुम्हारी फ्लाइट जरूर मिस हो जाएगी। जाओ, जाकर मानसी को सब कुछ बता दो। ऑल द बेस्ट। मेरा फोन होगा मेरे बेटे का। ये आप क्या कह रही है मां? आपके बेटे का फोन? इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मुझे हर वक्त आपकी चिंता लगी रहती है आजकल। मां, हर बात में अमर का जिक्र। नहीं, वो मैं कुछ और कहना चाहती थी। वो मेरी सहेली का बेटा यहाँ आया हुआ है, उसी के फोन का इंतजार कर रही थी मैं। देखो देखो आ गया फोन। हेलो हेलो हेलो, कोई कुछ कहता ही नहीं, ब्लैंक कॉल था। कहीं सिद्धार्थ जी का फोन तो नहीं था? जरूर मेरे अमर का ही फोन होगा। हेलो विद्यार्थी। हेलो चाचू, आप कितने बजे आओगे? ईशा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। क्यों चाचू? मैंने कहा ना मुझे देर हो जाएगी, मैं काम में बिजी हूँ। ओके, आई विल सी यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। टेक केयर, बाय बाय। चाचू भी ना। सर। अरे मदन, आओ बैठो। कब आए तुम? बस अभी सर। सर ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट है सर। हाँ सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है सर। अच्छा सर, उस पर्चे में जो हैंडराइटिंग है और इस इंश्योरेंस पेपर्स में जो सिग्नेचर है, दोनों एक ही आदमी के हैं सर। इसका मतलब अमर जेटली जिंदा है। अमर जेटली के जिंदा होने की थ्योरी अब पुख्ता होती जा रही है सर। लेकिन वो पर्चा पुराना भी तो हो सकता है। ये हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो मिसेज रोहिणी जेटली झूठ नहीं बोलती कि ये उनकी हैंडराइटिंग है, अमर की नहीं। मदन, ये गुत्थी तो हम सुलझा कर ही लेंगे, और अगर अमर जेटली जिंदा है तो उस तक हमें पहुंचाएंगी मिसेज रोहिणी जेटली। तुम एक काम करो, मिसेज रोहिणी जेटली पर नजर रखो, कहां जाती हैं, किससे मिलती हैं, 24 घंटे। ओके okay?